तो गाइस स्ट्रिप लाइट लगाने का काफ़ी शानदार तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बंडल जो है चालू है अभी फ़िलहाल वक्त। अब आप कहेंगे पूरा बंडल यहाँ कहाँ पे लगाओगे भाई, तो ये देख सकते हैं हमें जितना ज़रूरत है हम उतना ही लगाने वाले हैं। अब आप कहेंगे पूरा चालू हुए है, इसे कट कैसे करेंगे, आप आगे देखते जाइए। तो आपको जितना यहाँ पर चाहिए उतना हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ तकरीबन 3 मीटर के आसपास इसके अंदर हमें स्ट्रिप लाइट चाहिए और यहाँ पर हमें निशान देखने को मिल जाता है भाई 1 मीटर पर ये कटता है, ठीक है। तो आपको प्लास की मदद से क्या करना है, लाइट को बंद करके इसे कट कर देना है कुछ इस तरीके से। कट करने के बाद आप इसकी लाइन को वापस से चालू कर सकते हैं, लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा कि इसको कट बीच में से ना करिएगा, नहीं तो आपकी 1 मीटर की लाइन जो है वो ख़राब हो सकती है। कुछ इस तरीके से आपको जहाँ पर निशान दिखता है वहीं पर आपको कट करके टेप वगैरह इसके बैक साइड में लगाइए और आप कोप लाइट के अंदर एड कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से कोप लाइट लगाओगे तो आपकी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी कोप लाइट, और जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही कोप लाइट लगेगी।